हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम हमारे क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे, वो डिफरेंटली अवॉइड टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे, और हमारे चैप्टर का वो लास्ट पर्सन था। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई थी कि जो डिफरेंटली अवॉइड पर्सन होते हैं उनका जो सेंस ऑर्गेन होता है वो सही से काम नहीं करता, या फिर सेंस ऑर्गेन के अलावा भी अगर कोई और बॉडी ऑर्गेन है वो सही से काम नहीं करता किसी कारणवश, तो उनको डिफरेंटली अवॉइड कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। और फिर हमने बताया था तुमसे कि जो डिफरेंटली अवॉइड कैटेगरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके साथ थोड़ा फैमिलियर बिहेवियर हमें अपनाना चाहिए, थोड़ा सा उनको प्रेफरेंस देना चाहिए जब वो ऐसे कोई सार्वजनिक स्थल पे या फिर जहाँ पे वो हमें दिखे देगा, थोड़ा हेल्पिंग नेचर हमें उनके प्रति अपनानी चाहिए, ठीक है, उनकी मदद करनी चाहिए, कुल मिला के यही बात, ताकि उनको ऐसा बुरा फील ना हो, हम समाज से हट गए क्योंकि हमारे में कुछ कम है, उनके साथ ऐसा फील ऐसा बर्ताव मतलब उनके साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे हमारी क्लास में जो हो गए थे, तो फिर अभी कुछ पोर्शन बच गए थे, तो वो नेक्स्ट क्लास में बोलने वाला था, उसी में डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास आज है, मैं आज कुछ नेक्स्ट क्लास ले रहा। तो देखो तुम्हारे बुक में ना एक बॉक्स कट में एक ना दिया हुआ है, बताया हुआ है, एक चीज़ बता हुआ है, मैं बता रहा हूँ तुमसे क्या बताया। ये हेलन केलर है, ठीक है, हेलन केलर ये एक लेडीज है, मतलब महिला है, चीज है अमेरिकन, ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या था, इनका ना तो आंख काम करता था और ना ही इनका कान सही से काम करता था, ठीक है, सी इज ब्लाइंड एंड डीफ। इतना कुछ होने के बाद भी और इनके साथ पता है ये जो ब्लाइंड वाला और डीफ वाला जो काम होता है ये 2 साल की उम्र में इनके साथ हुआ था, इतने तब से अंधी थी और फिर बहन। तो इतना कुछ होने के बाद भी इनको ना मतलब इनके जैसे जहाँ पे टाइप के लोगों को जो डिफरेंटली एबल्ड टाइप के लोग होते हैं उनको मतलब स्कूल वगैरह या फिर ऐसे जगहों पर रखा जाता है जहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है, इनको सिखाया जाता है दुनिया को समझने की दुनिया कैसा है, हमें कैसा एक समझ बनाना है दुनिया के पढ़ते, ठीक है। तो फिर इनको भी वैसे टाइप के जगह पे भेज दिया गया था 2 साल की उम्र के बाद, ठीक है, वहां रहती थी, बहुत कुछ सीखी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सीख के उन सब चीजों से इतना मतलब इनके साथ दो प्रॉब्लम था कि ना तो इनको दिखता था ना ये सुन सुन पाती थी सही से, इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया कि अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ऑथर में काउंट आती है, और फिर एक बेस्ट लेक्चरर में भी काउंट आती है, ठीक है, अमेरिका जैसे देश पे वैसे डेवलप्ड कंट्री में आने वाले देश में ये जो है एक अच्छा ऑथर के रूप में पहचानी जाती है, और फिर एक अच्छा लेक्चरर के मतलब ऐसे टीचर के रूप में भी पहचानी जाती है, पूरा पहचान इनका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनको प्रिफरेंस दिया जाए, इनको समाज में हिस्सेदारी बनाया जाए, अगर इनको बहुत कुछ सिखाया जाए, तो फिर ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल है जो ये नॉर्मल पीपल्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमेरिका में ऐसे लोग होंगे जो कि डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में नहीं आते होंगे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सेंस ऑर्गन प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, उसके बावजूद भी वो पीछे रह गए किस हेलन केलर से, क्योंकि हेलन केलर वहां पे बहुत नाम कमाई, बहुत कुछ करी वहां उस कंट्री के लिए, ग्रेटेस्ट ऑथर रह चुकी, इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। ये सब बातें तुम्हारे बॉक्स में हमारे मतलब बुक्स के बॉक्स में बना के लिखा हुआ है तुम्हें मोटिवेट करने के, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा कोई सेंस ऑफ खराब नहीं है, जिनका सेंस ऑफ खराब है वो इतना कुछ कर जाते हैं, तुम्हारा सेंस ऑफ नहीं खराब हो जाता तो बहुत कुछ करना, ठीक है, कुछ करना नहीं करना तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो पढ़ाई होता है उसको ध्यान से पढ़ना, नोट्स तैयार करना साथ साथ, बस इतना ही चाहते हैं। चलो उसमें थोड़ी सी बातें मैं लिख देता हूँ, चलो
इसको तुम नोट डाउन करो, लिखा हुआ है। चलो ये तो खत्म हुआ, अब एक क्वेश्चन पूछता है तुम्हारी किताब तुमसे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ उसके आंसर करना। देखो तुम्हारे किताब से तुमसे क्वेश्चन होता है, तुम क्वेश्चन पढ़ो पहले सही से, ठीक है? मैंने लिखा है क्वेश्चन पढ़ लो पहले सही से, इसका आंसर करो, पॉज करके पढ़ो। चलो पढ़ लिया होगा। इन योर नेबरहुड देयर इज अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, ही वाज टू स्टडी एंड प्ले विद यू, व्हाट वुड यू डू? देखो तुम्हारे पड़ोस में एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड रहता है, बच्चा रहता है, वो चाहता है कि तुम्हारे साथ पढ़ना, तुम्हारे साथ खेलना भी चाहता है, वहां पे क्या करोगे उसके साथ? ठीक है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारे सामने तीन ऑप्शन दिया गया और बॉक्स बना दिया गया और टिक करना है कि तुम उसके साथ साथ क्या क्या करोगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन है तुमसे बोलना है कि डिनाय टू स्टडी एंड प्ले विद, मतलब तुम उसके साथ खेलना भी और पढ़ना भी बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, तुम डिनाय कर दोगे, उसको मना कर दोगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन ये था जो कि बिल्कुल क्रूर था और बिल्कुल गलत ऑप्शन था। क्या तुम ऐसा करोगे? क्या तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे? अगर ऐसा तुम करने का सोच रहे हो तो तुम एक नालायक स्टूडेंट, ठीक है? तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम उसके साथ क्या करोगे? फैमिलियर व्यवहार करोगे, तो उसके साथ खेलना तुम पसंद करोगे और उसके साथ तुम पढ़ना भी पसंद करोगे, ठीक है? अगर आगे वाले ऑप्शन में ये दोनों बातें आती हैं तो उसको सही का ठीक करोगे, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में है कि तुम डिनाई कर दिए, तुम मना कर दिए उसके साथ खेलने के लिए भी, उसके साथ पढ़ने के लिए, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सरासर गलत होता है, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है तुमसे कि शेयर योर प्रोवाइस की, ठीक है? तो अपना खिलौना उसके साथ शेयर करो, साझा करो, ठीक है? एक दूसरे से साझा करो उसके साथ खिलौना और फिर मिलकर खेलो। खिलौना से क्या किया जाता है? खेला ही जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। तुमको अच्छा फील कराना है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मेरे लायक नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं करना है उनके साथ, तो उनके साथ क्या करना है? खिलौने को शेयर करना है, बिल्कुल सही बात है। अब थर्ड में बोल रहा है कि मेक हिम योर फ्रेंड, तुम्हें उसको अपना दोस्त बनाना है। दोस्त बनाओगे या नहीं बनाओगे ऐसे लोग? उसको बोलो कि मैं अपना दोस्त नहीं बना सकता, कितना बुरा लगेगा उसको? उसको लगेगा कि हाँ मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे को ये बोल रहा है कि मैं मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, उसको दोस्त बनाना है, उसको
अच्छा फील कराना, उसको बेटर फील कराना, उसको फैमिलियर बनाना, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी है, तुम उसको दोस्त बनाओ, ठीक है? चलो ठीक है, इसको भी मैं तुम ठीक करो, सही बात है, उसको दोस्त बनाना है, ठीक है? उसको मैं मिटाता हूँ, आप देखो लास्ट है, क्या लिखा मैंने, नॉर्थ। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये नॉर्थ, ठीक है? मैंने नॉर्थ के बारे में तुमसे स्टार्टिंग में बताया कि जो नॉर्थ होता है वो सेंस ऑर्गन से मैसेज देके ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करने करता है कि अच्छा जो सेंसेशन आया वहां से, जो मैसेज वहां से निकल के आया हमारे ब्रेन तक, तो हमें अब क्या करना चाहिए, और फिर ब्रेन क्या होता है, ब्रेन वहां से मैसेज देके नर्व जो होता है ब्रेन से मैसेज देके क्या करता है, सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है कि अच्छा तुम्हारे आसपास अगर ये घटना हो रहा है तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो देखो नर्व के बारे में बार बार बताया हूँ, और नर्व का तुम्हें प्रोसेस भी बार बार बताया हूँ, लेकिन चलो मैं नर्व का थोड़ा सा तुम्हें लिख के बता देता हूँ, नर्व फिर होता क्या है जो तुम्हें हमेशा के लिए याद, जितनी बातें मैं बोला हूँ मैं बस वही लिखा हूँ, ठीक है? कुछ नया नहीं लिखा हूँ, बस लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले लिखा नहीं मैंने कभी इसके बारे में, तुम सुनते आता शुरू से, ठीक है? और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, तो मैंने क्या लिखा, ट्रांसमिट इंपल्स ऑफ सेंसेशन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड इंपल्स फ्रॉम दिस टू मसल्स एंड ऑर्गन। देखो ट्रांसमिट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ट्रांसमिट इंपल्स, इंपल्स मतलब होता है मैसेज, चलो मैसेज मान लो, इसमें मैसेज मैं बार बार बोलता हूँ ना कि वहां से मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचाता है, ट्रांसमिट इंपल्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन बोलने का मतलब है कि सेंसेशन मतलब उस सेंस ऑर्गन में कुछ घटना हुआ, उस सेंस ऑर्गन के पास कुछ घटना हुआ, ठीक है? जैसे स्किन है, स्किन को किसी ने टच किया, आंख है तो आंख किसी चीज को देख रहा है, तो वहां पे कुछ सेंसेशन हुआ, ठीक है? कुछ क्रिएट हुआ, कुछ मैसेज क्रिएट हुआ, क्या बोला मैंने, ट्रांसमिट इंपल्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मैसेज को, सेंसेशन के मतलब जो मैसेज वहां पे क्रिएट हुआ है टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के पास ले जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड पता है कहां होता है, यहां होता है स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये मेरा सर है खोपड़ी है, यहां पर ब्रेन है, ब्रेन के पीछे से ना यहां पे पाइप के जैसा ना ज्यादा नीचे वो पूरा नेटवर्क होता है, नेटवर्क जाल जैसा पीछा हुआ होता है, मतलब होता धागा धागा जैसा, जैसे देखो तुम बहुत सारा तार जो होता है ना चिपकता है एक जगह पर, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ से निकल के पास करता है, तो मतलब पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ब्रेन होता है, समझो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया मतलब ब्रेन तक भी पहुंचा दिया मैसेज को, ठीक है? तो ये क्या क्या नर्व ने सेंसेशन उठाया कहां से, सेंस ऑर्गन से उसका ट्रांसमिट करके मतलब उसको ट्रांसफर करके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दिया, उसके बाद इंपल्स फ्रॉम दिस टू इंपल्स फ्रॉम दिस टू द मसल्स एंड ऑर्गन, ठीक है? उसके बाद ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, फिर ब्रेन क्या किया प्रोसेसिंग करने का काम किया कि अच्छा ये मैसेज आ रहा है वहां से भी वहां पे इसके साथ ये घटना हो गया, तो फिर ब्रेन प्रोसेस करता है कि अच्छा ठीक है अगर ये घटना हो गया तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए, तो तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि अच्छा ये करना चाहिए हमें वहां से भाग लेना चाहिए या फिर हमें वहां पे रुकना चाहिए, यहाँ पे कहीं भी आग लग जाए, ठीक है? तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस आग को बुझा सकते हो तो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करके तुम्हारे नर्व पे बताएगा कि जाओ तुम अपने सेंस ऑर्गन को बता दो कि तुम उस आग को बुझा सकते हो, तो तुम उस आग को बुझाने की कोशिश करो, लेकिन देखो कि आग की लपट बहुत बढ़ गई या फिर तुम्हारे जान को वहां पे खतरा है, तो तुम्हारा ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करेगा कि अच्छा आग लग गई तुम बच नहीं सकते हो, तुम भागने की कोशिश करो, वहां तुम जो भागने की कोशिश करो वाला जो मैसेज है ना वो भी नर्व को दिया जाएगा, और फिर नर्व तुम्हारे मसल्स को बताएगा या फिर तुम्हारे सेंस ऑर्गन को बताएगा कि तुमको अब यहाँ पे ये करना चाहिए, ठीक है? इन सब सारी बातों के बाद तुम्हारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, आवर सेंसेस चैप्टर नंबर थर्ड यहाँ पे एंड होता है। मैंने बहुत मेहनत किया है, पढ़ाया मैंने, चलो ठीक है, मेहनत मेहनत करने को काम था, मैंने कर दिया, तुम्हारे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सारे मतलब मेरे कंटेंट को जो मैंने लिखाया है, जितनी बातें बोला है सबको तुम लिख लो नोट्स में, और फिर उसको रिविजन करो, अपने किताब को
बार बार पढ़ो, और फिर अब इसके बाद जो तुम्हारा मेन काम बचता है वो है तुम्हारा एक्सरसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे, जितना हो पाएगा उतना करोगे। अगर मैं तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन आंसर ही मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर करने में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, परेशानी हो सकता है, मैं उसमें तुम्हारे हिंट्स दूंगा, बताऊंगा उसमें भी नहीं, टोटल आंसर तुम्हारा लिखाऊंगा, हिंट्स दूंगा। उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर बच जाएगा उसमें, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर जब स्कूल तुम्हारा ओपन होगा तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का सेट या कॉपी देखूंगा कि तुमने मेरे बताने पर उस टाइम किया या नहीं किया, तब तुम पकड़े जाओगे वहाँ पे कि तुमने किया था या नहीं किया, और करना तो बेटा तुम्हें पड़ेगा ही किसी भी हाल में। चलो ठीक है, चलो तुम्हारा बता, नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।